फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पेट के रिगार्डिंग जीएस करंट अफेयर्स हिंदी इन सभी के मिश्रित क्वेश्चंस को। और पूरी मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मेरे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर हैं इनमें से आपको आपके अपने एग्ज़ाम्स में से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। आप लोग भी बताइएगा कि इन प्रश्नों में आपने कुल कितने सही किए। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है समय समय पर जो टेस्ट कंडक्ट करता हूँ मैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं भारतीय इतिहास से पहला प्रश्न है आपका, भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागौर से प्राप्त हुए हैं जबकि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़ से। नंबर दो, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मोरक्को निवासी इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर तीन, 1793 ईस्वी में भू राजस्व का इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चार नंबर, मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। राइट होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1940 में। क्वेश्चन नंबर पाँच, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो इसका जो राइट है वो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अब चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हैं। छठा प्रश्न है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है। राइट होगा ऑप्शन बी, सूर्यसेन। सात नंबर, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। ऑप्शन बी राइट होगा, तीन कठिया। आगे चलें आठ नंबर पे, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है। राइट होगा ऑप्शन डी, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। नाइन, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था। ऑप्शन बी, एमजी रानाडे। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व भारती। आगे चलें भूगोल से देखिए, प्रश्न है आपके, किसी तारे का रंग निर्भर करता है। ऑप्शन ए राइट होगा, उसके ताप पर। 12, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का या के मैदान हैं या हैं। तो ये सभी जो है वो मैदान है शीतोष्ण घास के। 13 की बात करें, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेरी। 14, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 19। 15 की बात करें, भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। चलिए आगे चलें 16 पे, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न। 16 नंबर, मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यापारी वर्ग। 17, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कीमतों में कमी। 18, बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। 19, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को किसके रूप में जाना जाता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष कर।
आगे देखें 20, एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि। अब भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से हैं आपके प्रश्न 21 नंबर, देखते हैं संसद की प्राकलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है। तो इसमें देखिए क्या राइट होगा आपका, और राइट ऑप्शन होगा ये सभी, ऑप्शन डी। 22 नंबर की बात करें, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। 23, संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग। 24, राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। बात करते हैं 25 की, तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी, 4A। आइए सामान्य विज्ञान से प्रश्न देखते हैं। 26, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकारता है, यानी कि यूनिवर्सल जो है, जो रिसेप्टर होता है वो बताना है। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन AB+ पॉजिटिव। 27, साबुन का बुलबुला के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। बात करें 28 की, विज्ञापन नामपट्ट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर इस गैस का उपयोग किया जाता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी, नियान। बात करें 29 की, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस का प्रयोग करके। 30, निर्वात में से किन तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ध्वनि। आगे चलें, देखें हमारे सामान्य हिंदी से है 36 नंबर वाला प्रश्न। यहाँ पर निम्न के शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है वो होगा आपका ऑप्शन बी, निरापराध। 37, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्याय नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रसाल। 38 की बात करते हैं, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए, वेदना। 39, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और आदि कौन से काल के संत कवि हैं। तो ये सभी भक्ति काल के हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। 40 की बात करें, उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद को बताइए उपर्युक्त के लिए। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊपर प्लस को उक्त। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे अभी तक हिंदी के क्वेश्चन। और आइए आगे चलते हैं करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी के लेते हैं, और 51 नंबर पे देखिए क्या है। एशियन कुश्ती रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में 14 पदक जीतने के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सभी लोग करिएगा। 52, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्टिस NV रमणा। 53, हाल ही में भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत PS जोरोस्टर उपहार में दिया है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेशेल्स। 54, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुशील चंद्रा। बात करें 55, हाल ही में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की सबसे कम आयु की महिला पहलवान कौन बन गई है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन ए, सोनम मलिक। 56, नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक निम्न में से कौन बन गई है। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूनम गुप्ता। आगे देखें 57 की बात करते हैं।
हाल ही में फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पाकिस्तान। 58, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महाकवि की कर्मस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दी है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए, सूरदास। अब बात करते हैं 59 की, अप्रैल 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2020 से हटने वाला देश कौन सा है? तो 59 जो है उसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया। और 60 है आपका, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नोरा अल मातरोशी। आगे देखिए जीके के हैं आपके सामान्य जागरूकता। 61 नंबर, किस वर्ष ओलंपिक में भारत की टीम फुटबॉल के सेमीफाइनल तक पहुंची थी? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 1956। 62, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रुड़की। 63, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी, हॉकी। चलिए 64 की बात करते हैं, 64 का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो इसमें आपका ए हो जाएगा, मालदीव भूमि साझा नहीं करता है। 65, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देहरादून में। 66, किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नेपाल। बात करें 67 नंबर की, निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? राइट होगा इसका 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विंबलडन। 68, पाल घाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए, केरल तथा तमिलनाडु। बात करें 69, लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। और 70 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनीला। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे अब तक के करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, साइंस के मिश्रित प्रश्न। आपको ये टेस्ट पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।